धरती के अंदर 90-99% लोग इस दशा के बाद अपनी यात्रा समाप्त कर देते हैं. लिसन मी केयरफुली. इस स्थान पर धरती के 90-99% लोग अपनी आत्मिक यात्रा को यहां आकर के आमीन लगा देते. हम यीशु मसीह के साथ में उठाए गए, हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए. हम यीशु मसीह के द्वारा इफिसियों 1:3 के अनुसार उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है. वाह. बस हमको इतना मालूम रहता है सब प्रकार की आशीष दी है, परंतु क्या इसके बाद कोई और अपेक्षा परमेश्वर की हमसे नहीं क्या? जरा देखिएगा, यदि आप कुलूसियों की किताब पढ़ें और उसके दूसरे 3 अध्याय पर चले जाएं, ये तो न्यूबॉर्न एक्सपीरियंस हो गया, ये तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार की संपत्ति का दिया जाना हो गया. क्या इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है? बस हम यही मानते रहें, केवल यही अंगीकार करते रहें कि हमारा मसीहा महायाजक जो है अंगीकार का महायाजक है. आओ हम यीशु मसीह से रोटी मांगे, कपड़ा मांगे, चंगाई मांगे, छुटकारा मांगे. क्या इससे हट करके और कुछ नहीं है? यदि आप कुलूसियों की किताब के 3:1 में पढ़ें तो वहां लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए. ये तो गिफ्ट मिल गया हमको विश्वास के द्वारा, पर आगे बाइबल कुछ कहती है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. हम तो वहां बंद कर दिए खोजना वगैरह. हम तो ये मानने के लिए तैयार हैं, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर उठाए गए, बैठाए गए, सब प्रकार की आशीषों के वारिसदार ठहराए गए. पर प्रभु जी का वचन कहता है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो तुम्हारी क्यों ड्यूटी खत्म नहीं हो गई है? यहाँ अगली ड्यूटी ये है कि तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है. आज यीशु के द्वारा पाए अनुग्रह के रास्ते उद्धार पाने वाला तो खोजने वाले मिजाज को खो चुका है. वो कुछ खोजता ही वगैरह नहीं है, खोजता भी है तो रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, उससे हट करके कोई चीज. भाई साहब, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने बोला, कोई पृथ्वी की वस्तुओं की खोज नहीं कर रहा. आप तो सफेद कार मांगने बैठे हुए, आप तो बीबी मांग रहे, आप तो टीवी मांग रहे, आप तो नौकरी मांग रहे. क्या ये नौकरी, टीवी, बीबी, धन, दौलत, क्या ये स्वर्गीय वस्तु है? अपन को स्वर्गीय और धरती के बीच में इतना भी कॉमन सेंस नहीं क्या? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. कोरोना वायरस आ गए तो लगे उपवास करने के लिए, प्रभु बचा ले, ये स्वर्गीय वस्तु है क्या? नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी की गुहार लगा रहे, स्वर्गीय वस्तु है क्या? शादी नहीं हो रहे तो चले आए प्रभु के दरबार में, प्रभु के भक्तों को करने लगे परेशान, हमारी शादी का इंतजाम कर लो, स्वर्गीय वस्तु है क्या? क्या यीशु मसीह को आपने नौकरी चाकरी के लिए स्वीकार किया था क्या? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जो मृत्यु के बाद लागू होती है या मृत्यु के बाद वाले जीवन में प्रवेश करने के लिए भौतिक संसार में हमको इकट्ठा करने की जरूरत है. जहां मसीह वर्तमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और दूसरे पद में लिखा पृथ्वी पर की नहीं. आज 99% तो पृथ्वी की ही वस्तुओं के चक्कर में प्रभु के पास आए हैं ना, इनका तो प्रमोशन ही नहीं हुआ अभी तक के. इसलिए तो प्रभु सब कुछ लॉकडाउन करके हमको कह रहा है, कब तक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए गुहार लगाई है? मुझको भी तो पहचानो रे बाबा. कितनी फुर्सत, 2 महीने से आराम से प्रभु जी तुमको कह रहा है बाइबिल तो पढ़ लो अब कम से कम. बाइबिल का प्रभु कहता है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. तुम तो मर गए, तुमको जिंदा होने की पड़ी हुई है भाई. बाइबिल में लिखा है तुम जीते जी मर गए उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने के लिए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के, माफ करना, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ. अब आप बताइए मसीह कहां गए? पिता के दाहिने ओर. वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं. क्या बात के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए? ना रे बाबा ना. बाइबिल बोलती है उसने जाकर के हमारे लिए जो जीवन था ना उसको ले गया, और ले जा करके उसने
पिता में छुपा दिया। अरे बाप रे बाप, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में। अब परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। मसीह कहाँ है? पिता के दाहिने ओर। वहां जाके क्या कर रहा है? हमारे लिए जीवन कमाया और जाकर के पिता में जाके छुपा दिया। ढूंढते रहिए आप, ये तो इंतजाम कोई नहीं करता। रहते तुम धरती पर हो, जीवन हमारा रहा कहाँ? पिता में। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे जीवन को लेकर के, हमारी स्वर्गीय बातों को लेकर के, हमारी स्वर्गीय वस्तुओं को लेकर पिता में जाके छुपा दिया। और तुम रहते धरती पर हो, तुम्हारे लिए जो स्वर्गीय वस्तु है वो पिता में मसीह ने छुपा के रखा, ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है ना, तो वहां हम खोजेंगे कैसे? रहते धरती में है और खोजें स्वर्ग की बात, बात यही तो है। हमने तो यहाँ विराम ले लिया, इसलिए तो प्रभु ने कहा ऐसा करो, तुम तो दो चार महीने के लिए विराम ले लो, तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में कौन सी संपत्ति जमा की है। यस, ये स्वर्गीय संपत्ति क्या है यह समझ में नहीं आएगा उस समय तक, जब तक कि जिस टॉपिक को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं उस पर चिंतन मनन ना किया जाए। यह स्वर्गीय वस्तुओं का एहसास कब शुरू होगा? एक नया जन्म प्राप्त किए व्यक्ति को स्वर्गीय वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्गीय वस्तुओं की चाहत करना चाहता है तो उसको इस जगह में आना पड़ेगा। फिर से आ जाएं हम अपने टॉपिक पर। इफिसियों की किताब के 4:22 में हम फिर आ जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भ्रष्ट करने वाली अभिलाषा के द्वारा प्रभावित की जाती थी उसको उतार डालो। ये हमारी ड्यूटी है, उसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है, ये हमारा रोल है। उसका रोल ये था कि आपने विश्वास किया, आपके पाप क्षमा किए गए, आपका नाम पापियों की लिस्ट से काट करके धर्मियों की लिस्ट पर लिख दिया गया, और जब आपने यीशु मसीह कहकर के पुकारा तो पुत्र की आत्मा ने आपकी आत्मा को निगल करके अपने अंदर समा लिया और हमारे परिचय को पुत्र के परिचय में बदल दिया। इस कारण से पिता हमको हमारे परिचय में देखने के बजाय पुत्र के परिचय में हमको देखने लगता है। यह उपकार प्रभु ने हमको फोकट में दिया है, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। इसलिए तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हो गया। पर इसके बाद अब जो कुछ भी हमको करना है उसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा रोल है। अब हमको पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उसको उतारना, ये मेरी जरूरत है या मेरा काम, इट्स माई जॉब। आपने तो प्रभु के जॉब को आनंद उठा लिया, प्रभु के उपकार का भोग लगा लिया, परंतु यहां जो काम हमको सौंपा जा रहा है उसके बारे में आपका क्या सोच है? और हमें जो काम सौंपा जा रहा है, जो हमको करना है, वी हैव टू डू समथिंग फॉर द रिनीविंग ऑफ अवर माइंड फॉर द सालवेशन। नो नीड टू डू एनी जॉब, जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड एक्सेप्ट द क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड यू टू बी टू गेट द सालवेशन, टू गेट द रिजरेक्शन पावर इन योर ओन स्पिरिट। परंतु बात जब मन के नवीनीकरण की आती है तो यहां पर परमेश्वर के उपकार के साथ साथ हमारे प्रयासों की जरूरत है। यह हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यक काम है जिसको प्रभु नया जन्म प्राप्त किए अनुभवशील व्यक्ति को करने का निर्देश देता है या सलाह देता है। तो मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, उद्धार पाने के बाद में मन का नया नहीं बना तो काम नहीं चलेगा क्या? प्रभु कहेंगे, जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुमको धरती पर बुलाया है वो तो पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? जरा एक और पद पढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि आप रोमियो की किताब में चल पड़े और उसके 12वें अध्याय पर
शायद हो सकता है मन के नवीनीकरण का इस सत्र में समा बनाने का ही काम हो, इसको हम अगले पीरियड में भी और पढ़ते रहेंगे। जरा देखिएगा 12वें अध्याय में, इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये हमारी ड्यूटी है, इट्स आवर जॉब। यहां विश्वास का कोई काम नहीं है, विश्वास से ऊपर वाली सीढ़ी पर हमको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं कि तुमको अपने शरीर को बलिदान चढ़ाना है। क्या बात के लिए? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हे प्रभु बपतिस्मा लिया तो वो सेवा नहीं क्या? प्रभु कहेंगे नहीं नहीं, वो तो आवश्यक सामग्री थी। चर्च जाता हूँ वो सेवा नहीं क्या? दान देता हूँ वो सेवा नहीं क्या? गाना गाता हूँ वो सेवा नहीं क्या? सुसमाचार सुनता हूँ वो सेवा नहीं क्या? सुसमाचार सुनाता हूँ वो सेवा नहीं क्या? प्रभु कहते हैं वो सेवकाई की आवश्यकता है, परंतु वो सेवा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो सेवा है वो है अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को स्वीकार योग्य बलिदान चढ़ाना। तो प्रार्थना करना सेवा नहीं क्या? उपवास करना सेवा नहीं क्या? अरे होता तो यहां पर इस मामले को हाईलाइट क्यों किया जाता? वहां लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, क्या? अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाना। और अपना शरीर रहा बेचारा भुक्त भोगी, संसार भोगी, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार से आते हैं। और संसार और उसकी दोनों की दोनों अभिलाषाएं नष्ट हो जाएंगी। और जो संसार और उसकी अभिलाषा के अनुसार जीवन यापन करता है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता।